फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी प्रेजेंट मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर मायसेल्फ दिव्यांशन एंड स्टूडेंट ऑफ सेप्टेम्बर. सो आई वुड वॉन्ट टू गिव द मैसेज ऑन द वर्ल्ड हार्ट डे डैट एवरी वन ईट हेल्दी फूड टू मेक देयर हार्ट हेल्दी. थैंक यू. सेहतमंद रहना है और आप देखते हैं इनके हाथ में जो ये पोस्टर है हाथ में बताया गया है कि किस तरह से हार्ट के साथ साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज फिजिकल इनएक्टिविटी इन सब वजहों से जो होता है. और आप देखते हैं कहीं ना कहीं शहर को जागरूक करने की बात हार्ट के लिए हमें हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए.
Today on 29 September, we are here to celebrate World Heart Day. I want to say that our heart is our resilience and our strength, and we have to take care of our heart. बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अच्छा दिन है। आज सब लोगों को प्रेरणा देने वाला दिन है, और विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि आज हमारे मध्य में डॉक्टर सुशील शर्मा जो हैं, वो ही सारा इस अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे मध्य में हमारे बहुत ही सीनियर जो समाज सेवक हैं, ऐसे लोग तो है ही हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ हमारे बेल्ट फोर्स के लोग भी हैं, आम नागरिक भी हैं। तो बस एक संदेश है कि तंदुरुस्त रहने के लिए हमें दौड़ भी लगानी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और ये जो हमारा दिल है ये एक बहुत ही अहम हमारा शरीर का हिस्सा है, और इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कभी कोई डांस करते हुए गिरता जा रहा है, कभी कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो गिरता जा रहा है, कभी कोई चल रहा है तो वो गिरता जा रहा है। कारण क्या है कि हम अपनी चिंता ही नहीं करते, और सबसे पहले हमें अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए। हम अगर स्वस्थ होंगे तो फिर हम बाकी सारे की चिंता कर सकेंगे। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, कहीं साइकिल दौड़ भी हो रही है, कोई पैदल भी दौड़ रहे हैं, तो अच्छा है, एक अच्छा मैसेज जो है जहाँ से जो है वो जाएगा। शक्ति सर, आप प्लीज आज के दिन का महत्व जोड़ना। ऑफ कोर्स हार्ट डे ये मना रहे हैं, वर्ल्ड हार्ट डे, और सेहत सबके लिए जरूरी है। दिल अगर स्वस्थ रहता तो सभी स्वस्थ रहते हैं, और आज की ये जो वॉकेथॉन इन्होंने रखी है स्पेशली डॉक्टर्स के साथ है, इसलिए इसका ज्यादा फायदा होने वाला है सभी।
शक्ति सर, हमने देखा कि जो आज के यूथ हैं वो कहीं ना कहीं अवेयर करने की जरूरत है, इस तरह के इवेंट्स कितने जरूरी हैं। ऑफकोर्स, ये बहुत अच्छा आपने बात कही है, और यूथ सारे के सारे सेहत के लिए अगर अवेयर होंगे तो जो कई तरह की बाकी शिकायतें भी आती हैं कि कोई नशे की ओर जा रहा है, उससे भी वो बचे हुए रहेंगे। अगर आपसे आपका हाथ ठीक रखना है तो आपको खुद ही लोग बोलना चाहिए कि क्या हमारे माता में प्रश्न कितना होना चाहिए, कलेक्टर कितना होना चाहिए, हमारा ग्रोथ आइडियल वेट क्या है। अगर आइडियल वेट आपका एज के मुताबिक, हाइट के मुताबिक अगर आपके आइडियल वेट है तो उसके कारण हमारा जो हार्ट की तकलीफ है वो कम हो जाएगा। इसलिए अब इसको रन करने के लिए हमारे पीछे जो बच्चे हैं वो जो साइकिल आगे जो साइकिलिस्ट है वो आएंगे, और उनके पीछे स्कूल के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आप चले, दौड़ने की जरूरत नहीं है, और इसी से वॉक करने से ही आपको हार्ट को एक्सरसाइज मिल जाएगा। जो हमारा एम है कि आप हफ्ते में 5 से 6 दफा एटलीस्ट 45 मिनट का वॉक करें, और खाने में बाहर की चीजें ज्यादा ना खाएं, घर का खाना खाएं, ऑयल का यूज कम करें, उससे आपको हार्ट की प्रोटेक्शन के चांसेस ज्यादा है, और जब नमक उसको कम करें जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है ताकि हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और डॉक्टर की सलाह मशवरा हमेशा जब भी कोई आपको सस्पिशन होता है या शक होता है या आप पूछना चाहते हैं तो आपको आपका डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आपको ये फायदा होगा कि आपको आइडिया पता लगेगा कि जो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं उसका आपको फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा है। कई दफा ब्लड प्रेशर सुबह ज्यादा होता है, शाम को कम होता है, किस तरह का लोगों को अपना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं, तकरीबन सिविल सोसाइटी के सारे से लोग हैं, मेंबर पार्लियामेंट है हमारे पास, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हमारे कर्मचारी भी हैं, और मकसद तो ये है कि लोगों को अवेयर करना कि हार्ट की बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं। हर साल एक देख थीम होता है कि नो हार्ट एंड यूज हार्ट, आप अपने हार्ट के बारे में जानिए और उसको ठीक डायरेक्शन में इस्तेमाल करिए, डायबिटीज का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, चलने की कोशिश करिए, फिजिकली एक्टिव होइए, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करिए जो हार्ट फ्रेंडली हो, जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, और ट्रांसफैट कम हो, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनसे दूर रहें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव स्मोकिंग है। यही एक मकसद है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज को हम हिंदुस्तान में और खासकर जम्मू में भी कम करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। और हमारा मान सब
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 29 सितंबर हर वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने का आइडिया कंसीव किया था वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने और इसको मान्यता दी यूनाइटेड नेशंस ने। ये सारे विश्व में हर देश में आज के दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक अवेयरनेस जनरेट करना है लोगों को हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, जो आज की डेट में भी इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर डिजीज। दिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हार्ट से रिलेटेड रहती हैं, ये आज भी सबसे बड़ा मुख्य कारण है मौत का। आज का जो थीम है आज के दिन का, वो है यूज हार्ट नो हार्ट, दिल का इस्तेमाल करो दिल को जानो। क्योंकि कहा जाता है कि आप उसी से प्यार करते हो जिसको आप पूरी तरह से जानते हो। जब तक आप अपने हृदय को पूरी तरह से जानोगे नहीं, उससे प्यार नहीं करोगे, तो उसके प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाओगे, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो आज का दिन एक रिमाइंडर है कि एक बार अपने दिल की ओर झांको, दिल को देखो और देखो ये कितना वाइटल पार्ट है और इसके हमारे शरीर में कितनी इंपॉर्टेंस है कि इसको जरा सी भी ठेस लग जाए तो ये आपको जिंदगी से मौत की तरफ धकेल देता है। आज का सिडेंट्री लाइफस्टाइल, वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, ये जो दिल है ये मानता नहीं है आसानी से। आज जरूरत है इसको मनाने की, इसको समझाने की कि पिज्जा और बर्गर से थोड़ा दूर रहिए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो अच्छी जो हमारी ट्रेडिशनल फूड्स हुआ करती थी जिसको हम छोड़ चुके हैं, चाहे वो मक्की की रोटी थी, चाहे वो बाजरा की रोटी थी, आज तो बच्चे उसको देख के भी कहते हैं ना हम तो इसको छुएंगे तक नहीं, और उनको रिप्लेस कर लिया पिज्जा और बर्गर ने। तो इस किस्म के लाइफस्टाइल में, और बच्चों को आप घर में जाके देखिए, मुझे नहीं लगता किसी का भी बच्चा आज मॉर्निंग वॉक जिम में जा। एक नया फैशन शुरू तो हुआ है, क्या वो टाइम पे उठते हैं, क्या टाइम पे खाना खाते हैं, क्या टाइम पे सोते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब बिल्कुल इनडिसिप्लिन लाइफ में आ जाए तो हार्ट और दूसरे वाइटल ऑर्गन तो आपके सफर करेंगे ही। तो मैं सिर्फ इस दिन पे आपके बीच होते हुए आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि दिल के बारे में सोचिए, खुद को भी एजुकेट कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट कीजिए, उनको प्रमोट, एक्सरसाइजेस को प्रमोट कीजिए, योगा को प्रमोट कीजिए, हेल्थी लाइफस्टाइल को कीजिए, अपने खाने का जो है वो उस सिलसिले को समझाइए ताकि आप हार्ट को मजबूत रख सके, हार्ट को हेल्दी रख सके। क्योंकि हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर लोग तो ज्यादा बता सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, लाइफस्टाइल अपने को चेंज कर सकते हैं और खाने पीने पे और जागने उठने सोने पे और रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो एक आशा या सपना डॉक्टर सुशील जी ने सोचा है कि सारे लोग, चाहे वो जुडिशरी से हो चाहे वो लॉ मेकर्स हैं हमारे साथ, सभी मिलके कैसे इस दिन को मना सकते हैं, इसी के साथ मैं श्री माननीय श्री युगल किशोर जी को बुलाने का कष्ट करूंगा कि वो आए और हम समय थोड़ी सुस्ती सी लग रही है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो सर साथियों, आज हम सब जहां पर एकत्रित हुए और ये जो वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर आज का जो कार्यक्रम डॉक्टर सुशील और डॉक्टर मदन और बाकी जितने भी सारे डॉक्टर्स ने जो इसका आयोजन किया है उसमें एकत्रित हुए हैं, जो हमारा सौभाग्य है
कि हर साल हमें ये जात तो दिला देते हैं कि अपने हृदय की चिंता करें, अपने हृदय को थोड़ा हेल्दी रखें, और इसके साथ साथ कि भाई अगर हमारा हृदय ही ठीक होगा तो हम भी ठीक रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि हम, जैसे कि डॉक्टर अपने जस्टिस शुक्ला साहब बोल रहे थे कि दिल है कि मानता नहीं, पता नहीं दिल नहीं मानता या हम नहीं मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। जो भी आएगा खाएंगे, स्वाद लगाएंगे और उसके बाद फिर बीमारियों को न्योता देंगे। लेकिन होना यही चाहिए कि हम सबको गंभीरता के साथ अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए, और इस शरीर की चिंता करते करते हमें सबसे पहले अपने हृदय की चिंता करनी चाहिए। और ये जो स्मोकिंग की बात जहां पर कर रहे थे, खान पान की बात जहां पर कर रहे थे, आजकल का जो प्रचलन चल पड़ा है, ये जंक फूड फास्ट फूड की बात हम सब कर रहे थे और उसके साथ तली मली चीजों की बात हम कर रहे थे, इन सब से हमें बचना चाहिए। और इन सब से अगर बचेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। और हम कई बार महसूस भी करते हैं कि यार ये ठीक नहीं है खाना, लेकिन उसके बावजूद भी खाते हैं क्योंकि हमें स्वाद लगता है, लेकिन स्वाद का जो परिणाम रहता है ना वो फिर अच्छा परिणाम नहीं होता। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे पाठक साहब, शुक्ला साहब, पांडे साहब, चैंबर के कुछ लोग और विशेष तौर पर एम्स के हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति साहब और डॉक्टर सुशील जी, मदन जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी जहां पर आए हैं, बेल्ट फोर्स के लोग आए हैं, नौजवान आए हैं, प्यारे बच्चे भी आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, हम सब यहां से प्रण कर जाएं कि नहीं, आज के बाद हम अपने पर तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन अपने साथ साथ परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें भी ये आदत डलाएंगे कि नहीं भाई, अपने शरीर की चिंता करनी है और अपने हृदय को सही रखने के लिए जो हमें गाइडलाइन दी गई है, जो हमारे शरीर के लिए सही है, वही हम करेंगे। तो मैं आज के इस दिन पर ये जो हृदय ढे के ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, सुबह सुबह हम सबको वॉक करवाई है, सैर करवाई है, ये डॉक्टर सुशील जी और इनकी जितनी भी टीम है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों की भी चिंता करते हुए हमेशा इस बात का जिक्र करें कि भाई स्वास्थ्य होगा तो हम होंगे, अगर स्वास्थ्य ही ठीक रहेगा तो हम सबकी चिंता कर पाएंगे। पहले अपने पर इसे अपनाएं, उसके बाद दूसरों को भी बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर सुशील जी को कहूंगा कि अपने शब्दों से हम सबको जो है अवगत करवाएं। धन्यवाद। मेरा आभार सब लोगों को, जस्टिस शुक्ला साहब, जुगल जी, शक्ति पाठक साहब, पांडे जी, मेरे टीचर्स जितने भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर शक्ति एम्स डायरेक्टर, मेरे साथी, मेरे स्पेशलिटी के लोग, बीएसएफ के जवान, जितने भी लोग आए हैं, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारी फैकल्टी के लोग, मेरे टीचर्स, ये बड़ा अच्छा सा दिन है हमारे लिए कि इस दिन पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हार्ट और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसको कैसे कम किया जाए। ये कोई डराने वाला विषय तो भी नहीं है, पर ये उतना कंसोल करने वाला विषय भी नहीं है कि ये बीमारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर टोटल दुनिया में हम देखें तो 2 करोड़ के लगभग लोग एक दिन में हार्ट की बीमारियों से जाते हैं, हार्ट की बीमारियों से उनकी डेथ होती है या वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह इंडिया में भी तकरीबन 47 लाख के आसपास लोग हार्ट की बीमारियों से शिकार होते हैं। मकसद इन देश का यही है कि अवेयर करने की कोशिश करें कि कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी में 2 विभाग हैं जो देखते हैं इस स्पेशलिटी को, एक तो इंटरवेंशन होता है और एक प्रिवेंशन होता है। यहाँ तक इंटरवेंशन का लोग का तल्लुक है, हम लोग सब पॉसिबल इंटरवेंशन जितनी भी वर्ल्ड में होती है हम लोग यहाँ करते हैं। तकरीबन 20,000 के आसपास कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हम लोग कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए हमारा आभार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है कि उन्होंने एक जो आयुष्मान का स्कीम है वो उसमें हमारे पेशेंट्स को काफी बेनिफिट हुआ है, चाहे वो स्टेंट्स हैं, चाहे वो पेसमेकर्स हैं, चाहे वो डिवाइसेस हैं, चाहे किसी किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, उसमें हमारा आभार उनको भी है। और साथ साथ जो प्रिवेंशन का एस्पेक्ट है वो लोग हम कवर करते हैं। तकरीबन 400 के लगभग हमने कैंप्स किए हैं,
लोगों को अवेयर करते हैं कि आप डायबिटीज का ध्यान रखें, आप ब्लड शुगर का ध्यान रखें जिसको डायबिटीज हम बोलते हैं, ब्लड बीपी का ध्यान रखें, जो लोग स्मोक करते हैं किसी भी फॉर्म में चाहे वो एक्टिव है या पैसिव स्मोकिंग है उससे दूर रहने की कोशिश करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसका चलन इन दिन से होता है कि हम लोग तकरीबन 30 टू 60 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये हार्ट के लिए अच्छी होती है। और जो स्ट्रेस का लेवल है उसको भी कम करने की कोशिश करें। अगर स्ट्रेस को लेवल को कम करने की कोशिश करें तो उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना चाहिए। स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए ड्रग्स या स्मोकिंग कोई समाधान नहीं है। हम लोग को पॉजिटिव एस्पेक्ट में स्ट्रेस को लेने की कोशिश करनी चाहिए। और एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्दी फूड जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा हों, जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, जिसमें ट्रांस फैट कम हो, वो खाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कंसर्न हैं जो हार्ट की बीमारियां यंगर एजेस में ज्यादा कॉमन हो रही है। हम एज ए रेस एशियन ज्यादा लोग यूरोपियन से हम ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। तो मकसद इसी दिन का यही है कि हम लोग एक प्रण करें, हम लोग वापस सोसाइटी में जाएं, हम लोग वापस घर में जाएं, हम लोग वापस ये चीजें जो हम लोग सुनते हैं यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करें जीवन के रास्ते में, और एक हेल्दी हार्ट का निर्माण करें और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करें। मेरा आभार आप सब लोगों को यहाँ इस दिन में आने के लिए भी है और हमारे साथ पार्टिसिपेशन के लिए भी है। और ये जो स्लोगन इस बार वर्ल्ड हार्ट ने दिया है, यूज हार्ट एंड नो हार्ट, आप अपने दिल का इस्तेमाल करिए, अच्छी तरह करिए और उसको यूज हार्ट एंड नो हार्ट, और आपको अपने दिल के बारे में जानिए कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें अच्छी मीन्स आप स्मोक से दूर रहिए, आप चलने की कोशिश करिए, सैचुरेटेड फैट कम खाइए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए, स्मोकिंग कम करिए, और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सब लोग हेल्दी हों, सब लोग खुश हों। यही एक हमारा प्रण है, यही मकसद है इन दिन को बनाने का। मेरा आभार आप सब लोगों को, और जो लोग जितने भी बच्चे स्कूल के आए हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं यहाँ के, उन सबको, उनके टीचर्स को, बीएसएफ के जवान, हमारे जो लोग जैसे शुक्ला साहब, एमपी साहब, शक्ति पाठक साहब, पांडे साहब, डॉक्टर शक्ति फ्रॉम एम्स, मेरी फैकल्टी के लोग, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग बैलून को रिलीज करेंगे और बच्चों के लिए जो रिफ्रेशमेंट है वो है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग एटलीस्ट एक कप कॉफी का हमारे साथ पी के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर आपका हाथ आ गया ना, ठीक है आप सर क्या कहना चाहेंगे आज के इसमें? वर्ल्ड हार्ट डे के उपलब्धि में हमें इस साल का जो थीम है वो है कि अपने हार्ट को इतना थोड़ा एक्सरसाइज दे दें जिससे आपका हार्ट आगे के लिए काम करता रहे। जब भी किसी की उम्र 20 साल से बाद ज़्यादा हो जाती है
तो उसमें हार्ट को काम करने की शक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि आपको जब रिक्वायरमेंट हो उसमें उसका कोई काम आ सके। ऐसे ही हम देखते हैं कि जिनको ओबेसिटी है, वजन ज़्यादा है, उनका कंट्रोल करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका मतलब 200 मिलीग्राम से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो टेस्ट करके पता लगता है, तो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उसको ठीक करने के लिए। ऐसे ही स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करना चाहिए, अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जो कई डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है वो 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए इन द ब्लड, तो उसको टेस्ट करके पता लग जाता है कि किस आदमी का रिस्क ज़्यादा है, तो उनका रिस्क कम करना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें 30-40 मिनट्स इन ए डे, 4-5 दिन हफ्ते में करें, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, वजन कम करें, जंक फूड या फ्लैश फायर फैट फ्री डाइट खाएं, जैसे बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर का खाना खाएं, तो उसमें आपके काफ़ी कोलेस्ट्रॉल जो है ठीक रहता है। साथ ही साथ अगर आप जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को काम करना पड़ता है। आपने देखा कि आजकल कई लोग सडनली एक्सरसाइज करते हैं, वो अच्छा नहीं है। अगर 50 साल की उम्र ज़्यादा है तो आपको आहिस्ता या क्विक वॉक करना चाहिए, रादर दैन जो दौड़ना नहीं चाहिए। तो उससे क्या, आपने देखा कई लोग एक्सरसाइज करते वक्त, जहाँ किसी वक्त फुटबॉल खेलते हैं, जहाँ जिम में ही गिर जाते हैं और सडन डेथ आपने सुना है। ये आमतौर पर कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस हो गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जब भी कोई आदमी जिम में जाता है तो उसको पहले अपना हार्ट चेक करा लेना चाहिए, ताकि पता लग जाए कि हार्ट जो है वो काम कर रहा है और उसको बर्दाश्त की पावर है या नहीं। और जब भी किसी ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल करें, साल्ट कम करें, और साथ ही साथ जब भी आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए भी साल्ट कम करें और ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहें। हो सकता है कम हो जाए, लेकिन उसको लगातार लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह मशवरा के बगैर उसको आप दवाई जो हार्ट की है वो बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको हार्ट को ठीक रखने के लिए करने चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका हार्ट खराब है तो डॉक्टर की सलाह मशवरा जरूरी लें, बहुत सी फैसिलिटी आजकल हैं और आपका आदमी का हार्ट अटैक बचाया जा सकता है। और अगर आपको छाती में दर्द है, सांस चढ़ता है, सडनली आपको चक्कर आ जाता है, तो इमीडिएटली अस्पताल में जाएं, रादर दैन दूसरे दिन जाएं, या गैस की दवाई खाएं, या कोई चक्कर चुक्कर के लिए वेट करें नेक्स्ट चक्कर के लिए, तो आपको उसके लिए देखना चाहिए। और इमीडिएटली अगर आप जाएं तो आपको उसका, जैसे हम प्राइमरी है जो प्लास्टिक सुना होगा नाम, जिसका सडनली जाते ही आदमी को थिएटर में ले जाते हैं, जो नाड़ी बंद है उसको खोल देते हैं और वो नॉर्मल बंदा हो जाता है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है। क्योंकि ये सडन ब्लॉकेज है, ये बीमारी आमतौर पर यंग एज में देखे जाती है और हार्ट अटैक डायग्नोसिस इमीडिएटली हो जाता है, तो उसको ले जाते हैं। आजकल फैसिलिटी जम्मू में काफ़ी है हॉस्पिटल में, और साथ में ऑलमोस्ट फ्री आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को अवेयर करें, उसको यूटिलाइज करें और डॉक्टर की सलाह मशवरा लेते रहें। थैंक यू जी सर। क्या क्या मैसेज करेगा? मैं अरविंद कोले, मैं हार्ट का सर्जन हूँ और आज वर्ल्ड हार्ट डे है, और हर साल की तरह इस बार भी इस उपलक्ष्य में हमने एक वॉकेथॉन का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मैसेज है, यूज हार्ट टू नो योर हार्ट, अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए और अपने दिल को जानने के लिए, तो ये सब हम लोग इस चीज को उजागर करते हैं कि आप हार्ट की डिजीज को प्रिवेंट करें। लेकिन मैं एक जरूरी चीज कहना चाहूंगा कि हर साल हम हार्ट की इस अवेयरनेस का आयोजन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बर्डन वर्ल्ड में और इंडिया में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इससे ज्यादा कुछ करना है, और आपके माध्यम से और इन वॉकेथॉन के माध्यम से हम आम लोगों को ये अवेयर करते हैं कि आप रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसको आप अवॉइड कीजिए, ताकि आपका जो हार्ट स्वस्थ रहे और आपकी जितनी भी ये जो आगे प्रोग्रेस करती है हार्ट की डिजीजेज, उससे थोड़ा सा आप उसको प्रिवेंट कर सके। तो यूज हार्ट, नो योर हार्ट, और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का बर्डन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें बड़े आगे स्वस्थ आगे स्वस्थता के आगे बड़ी अच्छी रहेंगी। तो हम ये सब चीजें कहते हैं कि अपने हार्ट का ध्यान रखो, अपने हार्ट को जानो और उसको स्वस्थ रखो। गॉड ब्लेस, थैंक यू।